हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारु जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स पाठशाला। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागॉजी स्पेशल वन लाइनर्स। यस, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हु गेव दिस मेथड, हु गेव दिस मेथड। तो मैंने सोचा है कि आपको 10-10 करके सारे मेथड कवर करा दूं, सो दैट आपके पास नोट्स भी हो जाए एक जगह और आप अच्छे से लर्न भी कर सको। तो ये हमारे पेडागॉजी के वन लाइनर्स रहेंगे। ये वीडियो जो है हमारा पार्ट वन है, इसमें हम 10 करेंगे, 10 नेक्स्ट वाली वीडियो में, और धीरे धीरे करके जितने मेथड्स हैं, जितने पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उन सारों के नोट्स आपके पास यूं इकट्ठे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो मैं यहाँ पे कराऊंगी ना, वो समझना कि पेपर में आते ही आते हैं, मतलब चाहे सीटेट हो, चाहे DSSB, चाहे यूपीटेट, रीट, KVS, NVS, यानी कि जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। CDP, पेडागॉजी, सब में से ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये मेथड किसने दिया है, किसने दिया है। सारे एक बारे में नहीं आएंगे ऑब्वियसली, बट हाँ इनमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छे से करेगा, इसलिए ऐसे करवा रहे हैं खुद खड़े होकर सामने। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है हमारे सोक्रेट्स ने। कैसे याद करेंगे? 100 और 100, तो सॉल्विंग है 100 का, ऐसे याद कर लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में 100 आ रहा है और 100 से किस क्या नाम होता है? सोक्रेट्स। इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसने दी है? हमारी डुई ने। तो डुई की आप ऐसे याद रखो कि लास्ट में आ रहा है आपका इव आ रहा है, और ईयू और इव ऐसे याद रखना, आपका इव और ईयू थोड़ा सा मिल रहा है तो इसको ऐसे याद रखना, इव और ईयू, डीयू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ऐसे याद रखेगा। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल। ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल किसने दिया है? एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। आप इसको कैसे याद करोगे? मॉडल लास्ट में एल आ रहा है और यहाँ पे एलेक्स में एल आ रहा है, तो इसके एल से याद रखना, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन एक टर्म है, वो किसने दी थी? ली वुल्फ। ली वुल्फ, लिंग्विस्टिक एल से शुरू होता है और ली भी एल से शुरू होता है, और ली दोनों के नाम में चीजों में ली कॉमन है, तो इसको ली से याद रखना, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन ली वुल्फ। ऐसे याद करोगे हर चीज अच्छे से याद होगी। अपने आप निमोनिक्स बनाए करो, मैं बता रही हूँ स्टिल्स निमोनिक्स में नहीं चल रहना, अपने अलग बना रखे हैं वो बना लो, लेकिन याद कर लो। नेक्स्ट है फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की कहाँ थी? जर्मनी में थी, और किसने दी थी? विल्हेम वुंड। लेबोरेटरी एल आ रहा है और विल्हेम में भी एल आता है, ऐसे याद कर रखो। अब ये तो जर्मनी की थी, अगर मैं बात करूं इंडिया की फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, वो दी थी NN सेन गुप्ता ने, तो इंडिया की अलग है, ये है जर्मनी की, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन है? ईएल थॉर्नडाइक। एजुकेशनल ई से और ईएल भी, ई से स्टार्ट होता है ईएल थॉर्नडाइक, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने दिया था? फिर से वुंड ने। तो याद रखना लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी लेबोरेटरी, ये याद रखो लेबोरेटरी। एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं? लैब में, और लैबोरेटरी किसने दी थी? विल्हेम वुंड ने, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। ये मेथड दिया था जॉन बी वॉटसन। जॉन में ओ आ रहा है और ऑब्जर्वेशन में भी ओ आ रहा है, ऐसे याद रखो। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड किसने दिया था? जॉन बी वॉटसन ने। नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सेम एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल के जनक कौन है? वुंड है भाई। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था ई बी डिथेनर। इंट्रोस्पेक्शन इंट्रो ई ऐसे याद रखना, है आई ई लेकिन इंट्रो ई बी ऐसे याद रखना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड ई बी डिथेनर। तो ये है हमारे कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो पेपर में आते ही आते हैं। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।